सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के एक नाजायज वकील की, जिसका काम है कि अपनी YouTube वीडियोस में कुछ भी करके अमित बड़ाना को गलत दिखाना और उसके लिए हेट क्रिएट करना। देखिए, आज हम बात करेंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वालिफाइड अमित बड़ाना के बारे में, जिसके हिसाब से हर एक मैच्योर ऑडियंस वाला यूट्यूबर इसे गिराने में लगा हुआ है। तो मिलो इस बंदे का नाम है फ्राइड और ये बंदा अपने घर वालों से ज्यादा ऑब्सेस्ड है अमित बड़ाना के साथ। तभी तो महीने में जितनी बार अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगता होगा उससे ज्यादा बार अमित बड़ाना पर वीडियोस बना देता है। तो इस बंदे का अपनी वीडियो में एक ही काम है कि भुवन बाम के साथ अमित बड़ाना को कंपेयर करके और कुछ भी बोल बककर अमित बड़ाना को गलत बताकर भुवन बाम के फैंस से अमित बड़ाना के लिए हेट पड़वाना। यू आर चला ब्रो। तो चलो आओ यार, फिर देखते हैं हम लोग किसी का फैन और स्टैन बनने में क्या फर्क होता है। नो एड्स, नो प्रमोशंस, 25 मिलियन व्यूज, 2.4 मिलियन लाइक्स, 260 के कमेंट्स, ऑल ऑर्गेनिक। बेसिकली अमित बड़ाना भुवन बाम को इसमें पोक कर रहा है कि तेरी ढिंडोरा का प्रमोशन हुआ है और मेरी चिड़ियाघर सीरीज का नहीं। अच्छा, तब ये देखकर तो तुम लोग समझ चुके होंगे कि नेगेटिविटी इस बंदे के दिल में कितनी गहराई में जाकर बस चुकी है। अमित बड़ाना ने अपनी वीडियो के अचीवमेंट्स को अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर किया तो उस पर भी भाई ने अपना उल्टा दिमाग लगा लिया कि यह दिखाकर वो भुवन बाम को पोक करना चाहता है। अरे मेरे अकल के अंधे भाई, अगर कोई अपनी खुशियों की मिठाई बांट रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दुखों का मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, और वैसे भी अपनी वीडियो की कमेंट्स, लाइक्स और ये अचीवमेंट्स को सिर्फ अमित बड़ाना ने अपनी स्टोरी में शेयर नहीं करता बल्कि सारे यूट्यूबर्स ही करते हैं। अमेरिका का दलाल बहन चिड़ियाघर सीरीज का नहीं, जिसमें अमित बड़ाना बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि इसे भी बहुत अच्छे से पता था कि इसने जो बनाया वो प्रमोशन करने के लायक ही नहीं है, इसीलिए इसने प्रमोशन ही नहीं करा। पर तू थोड़ा सा बहन का, अब ये इतनी लॉजिकल बात सुनकर तो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए घमंड, गुस्सा या फिर नफरत जैसी चीज होती है तो उस बंदे को जो बात बोल रहे हो उसमें लॉजिक या समझ है भी तुम इसकी भी परवाह नहीं करते हो। चूतिया, मतलब भुवन बाम ने अपनी वीडियो को प्रमोशन किया तो मतलब वो बहुत अच्छी वीडियो थी, लेकिन अमित बड़ाना अगर अपनी वीडियो को प्रमोट नहीं किया तो वो घटिया वीडियो। अरे मेरे नाकाबिल दोस्त, पर्सनल चॉइस नाम की कोई चीज होती है नहीं, कोई अपनी वीडियो को प्रमोट करे या ना करे वो तो उनकी अपनी खुद की इच्छा है ना। दलाल बहन, ये हमेशा अपने कंटेंट को भुवन बाम और आशीष चंचलानी के कंटेंट से बेटर बताता है, लेकिन भुवन बाम के जितने एक वीडियो पर लाइक्स आते हैं उतने लाइक्स इसके तीन वीडियोस को मिलाकर भी नहीं बनते। नहीं, अपनी हर वीडियो में अमित बड़ाना के ऑडियंस को अनमच्योर बोलने वाला ये चटक चूतिया दो लोगों के कंटेंट का कंपैरिजन कर रहा है उनकी वीडियोस पर लाइक के बेस पर। ये सब दोगलापन है। नहीं भाई, इस हिसाब से तेरे दो तीन वीडियोस पर मिलाकर जितने लाइक हुए उससे ज्यादा तो मैंने पाल जोन के एक ही वीडियो पर लाइक देखे, तो इसका मतलब तू तो उससे भी ज्यादा गया गुजरा है। ये हमेशा अपने कंटेंट को भुवन बाम और आशीष चंचलानी के कंटेंट से बेटर बताता है। रही बात अमित बड़ाना का अपने कंटेंट को भुवन बाम के कंटेंट से बेहतर बताना, तो भाई एक भी वीडियो या फोटो दिखा दे जहाँ पर अमित बड़ाना ने खुद ऐसा कहा हो तो कसम यार तू मेरे मुंह पर मूत कर भग जाइयो। मेरे भाई, जितना टाइम तू दूसरों के लिए हेट क्रिएट करने में लगा रहा, अगर उतना ही टाइम तो अपनी स्क्रिप्ट तैयार करने में लगा तो शायद अभी मैं तुझे भुवन बाम का नाजायज दलाल नहीं बल्कि उसका फैन मानता। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। एंड सबसे फन की बात तो यह है कि 50 लोगों की टीम होने के बाद भी ये खुद को इंडिविजुअल क्रिएटर बताता है। भाई जो ये बात तूने बोली तुझे खुद भी समझ आई कि तूने बोला क्या? नहीं भाई, कि इस बात के हिसाब से तो इंडिया के जितने भी बड़े क्रिएटर है वो कोई इंडिविजुअल क्रिएटर है ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पर हर बड़े क्रिएटर के पास अपनी खुद की एक टीम है। भाई तो भाई इस हिसाब से सिर्फ तेरे और मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर बच रहे जिन्हें कि तू यूट्यूब का इंडिविजुअल क्रिएटर बोल सके, क्योंकि हमारे पास टीम बनाई जा सके ना तो इतनी ऑडियंस है और ना ही टीम बनाने लायक पैसा। दलाल बहन, चल इतनी करा दे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, चल इतनी करा दे। ऐसी एक्टिंग तो मैंने अपने पूरे जीवन काल में आज तक नहीं देखी। आई होप इसे देखने के बाद किसी को कैंसर ना हो जाए। चल भाई, की इतनी क्रिएटिव बात सुनकर तो तुम लोग समझ चुके हो कि तुम भी अब एक रोस्टर बनी सकते हो, क्योंकि ऐसी क्रिएटिव बात तुम लोग भी बोल लेते हो। जब मैच चल रहा हो विराट कोहली आउट हो जाए तो तुम भी तो बोलते हो ना कि इसे तो खेलना ही नहीं आता है, तो बस ऐसी तो फालतू की बातें बोलनी और तुम बन जाओगे 60,000 सब्सक्राइबर वाली रोस्टर। बस वो अलग बात है कि ऐसे रोस्टर बनने के बाद तुम्हें खुद दूसरों से रोस्ट होना पड़ेगा और उनसे गालियां सुननी पड़ेंगी। घाट में मिला रही हमारी इज्जत को भयंकर। मैं तुझे अपना दिल दे दूंगा। अरे अपनी बहू दे देता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं सही बता रहा हूँ, अगर इसमें राजपाल यादव नहीं होता ना तो इसकी सो कॉल्ड मूवी को कोई कुत्ता भी नहीं देखता। क्योंकि बात तो सही है कि सिर्फ राजपाल यादव की वजह से लोगों ने अमित बड़ाना की वीडियो देखी। वो अलग बात है कि राजपाल यादव 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद अमित बड़ाना की वीडियो में आया है और 20 मिलियन सब्सक्राइबर होने के लिए 20 मिलियन लोगों का देखना भी उसे जरूरी है, और एक हेटर होने की वजह से इस चूते की बातों में लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। इवन इसके चैनल पर जितनी भी मैच्योर ऑडियंस आई है ना वो सिर्फ इसके गानों से आ रखी है, जिन गानों को गाया भी किसी और ने और लिखा भी किसी और नहीं है, इसने तो सिर्फ पैसे दिए हैं। आयरनी देख रहे हो तुम इस बंदे की, मैच्योर ऑडियंस की बात भी वो बंदा कर रहा है जो कि थोड़ी देर पहले वीडियोस के लाइक के बेसिस पर कंटेंट क्वालिटी का कंपैरिजन कर रहा था। चूतिया, और रही बात भाई की गानों से मैच्योर ऑडियंस आने की, ये भी जान ले कि अमित बड़ाना का पहला गाना 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद आया था, और भाई फिर भी तुझे लग रहा है कि वो सारे 10 मिलियन लोग ही अनमैच्योर थे। भाई एक ही बात बोलूंगा कि चूतिया पे और नफरत का कोई इलाज नहीं होता है।
दलाल बहन चो। खैर तो दलाल, फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। हाँ यार, अगर तुम किसी का फैन बन रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और का हेटर बन जाओ। समझ में आ रहा है? दलाल, फिर अपन लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक ले यार, टाटा बाय बाय।